और वहाँ पे मैं वो सब रिकॉल हो जाता है, वो सब मुझे वापस याद आ जाता है, फिर मैं और कार्तिक से नफरत करने लग जाती हूँ। मैं उस पर बोलती हूँ कार्तिक को कड़ी से कड़ी सजा करवाना, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मुझे फ़ोन आता है। कहीं ना कहीं मेरा दिल भी ये मानता है कि चाहे इतने सबूत मिल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मेरा दिल भी ये कहता है कि कार्तिक शायद गुनहगार हो सकता है, कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता। तो मुझे किसी का फ़ोन आता है, कोई मुझे बोलता है कि इस केस के बारे में उसे कुछ पता है, तो मैं भाग के उसके पास जाती हूँ। तो एक्चुअली वो लोग कार्तिक के फ्रेंड्स होते हैं। जो कार्तिक पे मैं चिढ़ रही थी, कार्तिक से मैं झगड़ा कर रही थी कि तुमने नशे में गाड़ी चलाई, तुमने मेरी मम्मा को ठोका, तुम क्यों कार लेके गए, मैंने तुम्हें मना किया था। तो कार्तिक के फ्रेंड्स मुझे बताते हैं कि पहली बार कार्तिक ने खुद से ड्रिंक नहीं की थी, उन्होंने कार्तिक के सॉफ्ट ड्रिंक में अल्कोहल मिला दिया था, जिसकी वजह से कार्तिक को नशा हो गया था। और कार्तिक मुझसे मिलने के लिए, उसकी बाइक की चाबी ये लोग छुपा देते हैं, तो मुझसे मिलने के लिए वो अपने फ्रेंड की कार लेके आता है। और तो फिर सब क्लियर हो जाता है कि कार्तिक ने ड्रिंक नहीं की, और ये लोग ये जो कार होती है कार्तिक की फ्रेंड की होती है, मानस की कार, जो कि गैराज में होती है, जो कि पुलिस ने यहाँ गैराज में रखाई हुई है और मना किया है किसी को भी इस कार को छेड़ने से, देखने से। फिर भी मैं मानस को बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और यहाँ आते हैं गैराज में। तो यहाँ आके तो मुझे कुछ और ही पता चलता है, मतलब यहाँ के मुझे पता चलता है कि ये कार किसी इंसान से टकराई ही नहीं, ये एक पत्थर से टकराई थी, जिसकी वजह से कार इतनी डैमेज्ड है। और पुलिस वालों ने मुझे कहा था कि इसके एयरबैग्स नहीं खुले क्योंकि कार में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बंदा मुझे जो मैकेनिक होता है वो बताता है कि एयरबैग्स नहीं खुले क्योंकि कार स्पीड में थी ही नहीं। और ऑब्वियसली अगर स्पीड में नहीं होगी और ठुकी नहीं तो फिर एयरबैग्स कैसे खुलते। तो यहाँ पे सब क्लियर हो जाता है कि कार्तिक ने कुछ नहीं किया। तो ये बात जाके मैं कार्तिक से करने जाती हूँ वापस पुलिस स्टेशन। तब तक कार्तिक कन्फेशन जो पेपर है सरेंडर तो कर ही चुका है, लेकिन कन्फेशन में भी साइन कर चुका है। अब मुझे कार्तिक को बचाना है। अब ये क्लियर हो गया है कि कार्तिक ने नहीं मारा, ऑब्वियसली गिल्ट है कि मैं कहती हूँ कि मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ, और प्यार का दूसरा नाम विश्वास होता है, भरोसा होता है। और कार्तिक पर मैंने भरोसा नहीं किया, मुझे इस बात पर गलती है कि मैंने अपने प्यार पे भरोसा कैसे नहीं किया, उस इंसान पे भरोसा कैसे नहीं किया जिसने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए हमेशा इतना कुछ किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा बोलते हैं लोग प्यार में बहुत कुछ करते हैं, नायरा क्या करेंगी कार्तिक को बचाने। कार्तिक नायरा कुछ भी कर सकती है, अभी तो नायरा वही सबूत इकट्ठे कर रही है कि जिससे हमें तो पता है कार्तिक बेगुनाह है, लेकिन कानून की नजर में कार्तिक को बेगुनाह प्रूव करेंगे। थैंक यू।